हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग अपना प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। इंजीनियरिंग प्लास्टिक यूनिट नंबर मेरी बुक में 5 है, वैसे आपकी बुक में शायद यूनिट नंबर 6 होगी। ठीक है, तो प्लास्टिक्स आपको पता ही है, द टर्म प्लास्टिक्स मीन्स फिट फॉर मोल्डिंग। अब मोल्डिंग में जैसे कोई डाई वगैरह है हमारे पास, उसमें हम प्लास्टिक के दाने लेते हैं जो गर्म करके मोल्डन स्टेट पे लेके जाएंगे, उसके बाद मोल्ड के थ्रू किसी भी शेप में आप जो शेप देना चाहो उस शेप में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है अच्छे से, जहाँ पर कार्बन रहेगा तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की फैमिली से बिलोंग करेगा प्लास्टिक, मतलब कार्बन रहेगा इसमें सारा। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर दोज विच आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन, वही बात आ गई। ठीक है, प्लास्टिक्स हैव द प्रॉपर्टी टू बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप उसको शेप दे सकते हो। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, हीट करके, मैंने बताया आपको एनुलर फॉर्म में होगी, दानेदार फॉर्म में होगा प्लास्टिक कोई भी। ठीक है, उसको आपने पहले हीट करना है, मोल्टन स्टेट पे लेके जाना है, फिर उसके बाद आप मोल्डिंग में डालेंगे, आप उसका स्टेशन है बंद होगा, 2-3 मिनट जितना भी टाइम रहेगा उसमें रहेगा वो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा तो जो भी आपको शेप देनी है वो दे दोगे आप विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। दो डाई जब प्रेस होंगी तो प्रेशर भी अप्लाई होगा वहाँ पर। प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, आल्सो नोन एज पॉलीमर्स, इसे पॉलीमर भी कहते हैं, कार्बन की लंबी चेन चलती है इसमें हमारी। ठीक है, बात अगर दो नंबर प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक, डिफाइन प्लास्टिक, तो आपको सारा देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं, विच कैन बी मोल्डेड इन टू एनी डिजायर्ड शेप वैन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जरूरत नहीं है, बस यहीं तक ठीक है, इसको यहाँ तक याद कर लें आप। ठीक है, द प्लास्टिक्स नाउ डेज आर बींग यूज इन वन फॉर्म और द अदर इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी एक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर वेरी अट्रैक्टिव ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री सच एज ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, कम्युनिकेशन में, टेलीफोन, रेडियो के उसमें देखा होगा आपने, वो प्लास्टिक का बना होता है, मेकिंग सेफ्टी ग्लासेस, लेमिनेटेड गियर्स। ठीक है, गियर भी प्लास्टिक के होते हैं, आपको लगता होगा गियर सिर्फ कास्ट आयरन के होते हैं या फिर मेटल के होते हैं, नहीं, प्लास्टिक के भी गियर होते हैं, पुली, ठीक है, पुलीज भी होती हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग, ये सारे थोड़े से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी कहाँ कहाँ यूज़ करने हमने। ठीक है, नेक्स्ट जनरल, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं, आपके जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की वो हम देखेंगे यहाँ पे। बहुत इजी इसमें है, आपने 13 दे रखी है, 10-12 ध्यान रखना, वैसे भी आप इसको लिख सकते हो अपने आप भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, देर इजीली कास्ट, किसी भी उसमें मैं कास्टिंग कर सकता हूँ इसको, मोल्डेड, ड्रिल्ड, मशीनड, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल, ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं होता है। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रिजिडिटी अच्छी है, ठीक है, रिजिडिटी है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, नॉट कंडक्टर, इट इज़ इंसुलेटर्स, मतलब हीट और, मतलब टेम्परेचर और हीट दोनों इसमें से पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दे हैव लो फैब्रिकेशन कॉस्ट, कास्ट, दे कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट और कलर्ड, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं प्लास्टिक, देखा होगा कलर्ड भी हो सकते हैं प्लास्टिक्स। दे आर गुड रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स को रेजिस्ट कर देते हैं, मतलब केमिकल ज़्यादा रिएक्शन नहीं होते, इनर्ट होते हैं, मतलब ये गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, जितने हैं उतने रहेंगे, डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब यही है, चेंज नहीं होती मतलब उसकी डायमेंशन, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जंग नहीं लगता इस पर, सही बात है, अगली बात पता ही आपको, हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, एब्रेशन से को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी है, दे पोजेस गुड टफनेस, टफनेस भी अच्छी है इनकी आपके पास। ठीक है, गुड एब्जॉर्प्शन, वाइब्रेशन एंड साउंड, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने ध्यान रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, दो टाइप के मेन प्लास्टिक्स हमने पढ़ने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं इसमें। ठीक है, नाम से पता लगे सेटिंग, यहाँ से दिखना एक बार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक बार अगर जिस फॉर्म में चले गए तो दोबारा से वो अलग से उसको दोबारा मैं आपको बार बार हीट करके दोबारा बार बार प्रेशराइज करके मैं उसको अलग शेप दे दूँ, ऐसा नहीं होगा, एक बार जिस फॉर्म में चले गए उस फॉर्म में आके सेट हो जाएंगे, बार बार उसकी शेप साइज चेंज नहीं हो सकता। आपको दोबारा तो गर्म करना है, गर्म कर दो तो बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाएगा मटेरियल, लेकिन दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। बढ़िया एग्जांपल जैसे प्लग वगैरह होते हैं हमारे, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये एग्जांपल हैं जो कि आप एक बार जो जिस फॉर्म में चले गए बार बार आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, सेट हो जाएंगे एक बार। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स विच आर फॉर्म्ड इनटू शेप अंडर हीट, हीट मतलब टेम्परेचर कह रहा है भाई 127 से लेकर 137 सेंटीग्रेड तक हीट देनी है, एंड प्रेशर अप्लाई कर दिया, एंड रिजल्ट इन परमानेंटली हार्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, परमानेंटली हार्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे, बार बार आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। द हीट फर्स्ट सॉफ्टन द मटेरियल, आपने पहले हीट दे दी, सबसे पहले उसको दे दी हीट, सॉफ्ट हो गया,
बट वेन एडिशनल हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड द प्लास्टिक्स आर हार्डन्ड बाय केमिकल चेंज विच नोन एज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, ये प्रोसेस है जिसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं. द रीहीटिंग, अगर दोबारा हीट करना चाहो आप, डज नॉट सॉफ्टन देम अगेन, दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर पाओगे, एंड दे कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय रीमोल्डिंग. दीज आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ठीक है, मैनुफैक्चर्ड वैरायटी ऑफ कलर्स, कई सारे कलर में आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कई टाइप के हैं ये. जैसे फर्स्ट नंबर पे इसमें हम पढ़ेंगे फिनोलिक रेजिन के बारे में, इसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं. टॉपिक थोड़ा ऐसे ही है, ये आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखनी सारी बातें, समझाने वाली बातें कम है इसमें, बस पढ़ दूंगा आपको पता लग जाएगा भाई ये वाली बातें लिखी हुई आपकी बुक में. इट इज़ ऑब्टेंड बाय कंडेंसिंग, कंडेंस ठंडा करना. ठीक है, कंडेंसिंग द फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आपको पता ही है, वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं. ठीक है, इसको बेकलाइट भी कहते हैं. ठीक है, बेकलाइट आपने देखा होगा, वैसे सुना होगा नाम ही बेकलाइट का, जो आपके कुकर वगैरह के हैंडल्स होते हैं काले रंग का, वो बेकलाइट ही होता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज हार्ड है, रिजिड है, स्ट्रेच रेजिस्टेंस मटेरियल है. इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू हीट, वाटर, सॉल्ट एंड मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मतलब तभी तो वो उसके हैंडल पर बनाते हैं, इसमें लगाते हैं जो काले रंग का एस्बेस्ट, जिसे हमने बेकलाइट बोला था. ठीक है, ताकि वो जब हीट आए, आपका सिल्वर का मान लो मेटल है, सिल्वर का है, कॉपर का, जो भी है, फ्राइंग पैन कहते हैं इसे हम. ठीक है, उसके हैंडल पे लेकिन एक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, उसे वही होता है बैकलाइट. ठीक है, इट पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं और हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी रखता है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मटेरियल इन पेंट्स एंड वर्निशेस. ठीक है, यूज़ कहाँ का करने देखो, लिखा हुआ है इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग हैंडल्स फॉर कुकिंग पॉट्स, जो मैंने बताया, नोब्स, बॉटल कैप्स, डायल्स, टेलीफोन के पार्ट बनाने में यूज़ होगा इसका, कैबिनेट फॉर रेडियोज एंड टेलीविजन, उसका कवर जैसे कैबिनेट बन जाता है, प्लग में यूज़ होगा, स्विच में होगा, स्विच बोर्ड. जो मैंने कहा ये सारे सारे कैसे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, जो एक बार जिस फॉर्म में आ गए आ गए, आप बार बार उसको रीहीट करके आप उसको दोबारा चेंज शेप नहीं कर सकते उसके. ठीक है, दूसरा है हमारा अमीनो रेजिन्स. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट अमीनो रेजिन आपके अवेलेबल है, एक है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड. यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टुगेदर यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड. ये मतलब आपने यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड को, इसके फॉर्मूले वगैरह अलग अलग हैं, आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है वैसे. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, दिस रेजिन कैन नॉट ऑफर रेजिस्टेंस टू हीट. ठीक है, दिस रेजिन कैन नॉट ऑफर रेजिस्टेंस, हीट को रेजिस्ट नहीं करता लेकिन. ठीक है, इट इज़ हार्ड, इट हैज़ हार्ड सरफेस एंड हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, इट इज़ लाइट इन वेट. ठीक है, एंड मे बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल कलर्स, कुछ इसके वो हैं. यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है इसका, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज स्विच कवर, स्विच के कवर में, प्लग, टॉप्स, लैम्प सॉकेट में यूज़ करना है इसमें. ठीक है, और भी कैबिनेट, टॉयलेट सीट्स, बटन्स, क्लॉक केस. ठीक है, बाइंडर्स फॉर सैंड कोर्स, लाइट फिक्सचर्स में यूज़ कर सकते हैं इसे. दूसरा क्या था हमारा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज़ ऑब्टेंड बाय कैल्शियम कार्बाइड, मेलामाइन इन कम्बिनेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड एज अ रेजिन. ठीक है, मे बी कम्बाइंड विद वेरियस फिलर्स टू फॉर्म मोल्डिंग कंपाउंड्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लें एक बार, इट इज़ ऑडरलेस, टेस्टलेस, इट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क रेजिस्टेंस, इट इज़ हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, गुड फ्लोएबिलिटी, कुछ प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है. यूज़ कहाँ कहाँ पे इसका, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मोल्डेड कप्स, प्लेट्स, कप प्लेट बनाने यूज़ होगा, सॉसर्स, बॉल्स, जो आपकी कटोरी होती हैं. ठीक है, वहाँ उसका यूज़ करना है. फॉर मेकिंग टेलीफोन सेट्स, सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, मिनीचर जैसे आपने MCB जैसे बोलते हो आप. ठीक है, वही है ये टेबल वेयर्स, इसमें यूज़ करना है इसका. थर्ड है हमारा सिलिकॉन रेजिन. मैं फिर कहूँगा इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपने ये चीज़ें याद करनी, जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से. ठीक है, द सिलिकॉन इज सिंथाइज्ड विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड ऑर्गेनिक क्लोराइड एंड पॉलीमराइज्ड बाय कंडेंसेशन. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसके, गुड हीट रेजिस्टेंस है, सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, क्योंकि सारे कैसे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ही हैं. आप थोड़ा पता यहाँ वहाँ करके लिख सकते हो उसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं अच्छे से एग्जैक्ट पढ़ता होता. इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म, फिर भी आपने कोशिश करनी है एग्जैक्ट याद करना है. ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी लिक्विड, रबड़, सॉलिड, सब यूज़ हो गई, सब तरह से मिल जाएगा, अवेलेबल है. एंटी फॉर्मिंग एजेंट है ये, फॉर्म नहीं बनाता ये, गुड रेजिस्टेंस टू वाटर, गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. कहाँ का यूज़ करना है इसे, गैसकेट में यूज़ करना है इसको हमने, और कहाँ यूज़ करना है भाई, हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग इंसुलेशन फॉर मोटर वाइंडिंग में यूज़ करना है इसको हमने, फॉर
कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशिंग में यूज़ करना है इसको हमने। लास्ट है इसमें एपॉक्सी रेजिन, द एपॉक्सी रेजिन ये चौथा है हमारा, फोर्थ नंबर पे। द एपॉक्सी रेजिन इज ऑब्टेन्ड बाय सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, स्पेशली एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड बाई स्फेनोल, ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ, द कर्व्ड एपॉक्सी रेजिन हैज़ लो श्रिंकेज एंड गुड फ्लेक्सिबिलिटी। श्रिंकेज नहीं होता भाई ये, लो श्रिंकेज है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है लेकिन इसकी। इट हैज़ गुड केमिकल रेजिस्टेंस, इट हैज़ गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एज एडहेसिव, किसी को कंबाइन मिक्स करना हो कि चिपकाना हो। दिस मेटल हैज़ शोन एक्सट्रीमली हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना चिपका, अगर किसी को हमने बॉन्डिंग देनी है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है इसकी, स्ट्रॉन्ग एंड इनफ। कहाँ कहाँ यूज़ करना है भाई इसको, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ प्रेस डाइज फॉर मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस, ठीक है। मेड फ्रॉम एपॉक्सी रेजिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट में और ऑटोमोबाइल्स में इसको यूज़ करना है। जितना आपको ईजीली लैंग्वेज लगे उसमें आपने याद करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम थर्मोप्लास्टिक को कवर करेंगे।